नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा। भागलपुर में दो चरण में होगा मतदान। डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। कृषि बिल के विरोध में कई राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। सरकार से बिल वापस लेने की मांग। नवगछिया में नहीं थम रहा है रफ्तार का कहर। गड्ढे में कार पलटने से पिता और पुत्र की हुई मौत। मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। लोगों को मतदान के प्रति किया गया जागरूक। और चुनाव को लेकर जिले भर में चलाया जा रहा है सघन तलाशी अभियान। स्टेशन चौक पर एसएसपी ने की वाहनों की जांच। अब समाचार विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की अधिसूचना जारी करने के साथ ही राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। शुक्रवार को भागलपुर जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रणव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिले में चुनाव से संबंधित तैयारियों की जानकारी देते हुए आचार संहिता लागू होने की घोषणा की। डीएम ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव तीन चरण में होगा। भागलपुर जिले के कहलगांव और सुल्तानगंज में 28 अक्टूबर को प्रथम चरण में चुनाव होगा, जबकि भागलपुर नगर समेत बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैंती और नाथनगर में 3 नवंबर को दूसरे चरण में चुनाव संपन्न होगा। डीएम ने कहा कि वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। चुनाव को लेकर जिले के सभी 7 विधानसभा क्षेत्र में कुल 3195 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और जिले भर में मतदाताओं की कुल संख्या 21,78,112 है। डीएम ने कहा कि कोविड-19 के दौरान पहली बार चुनाव हो रहा है और इसको लेकर इलेक्शन कमीशन की ओर से विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ मास्क लगाना सभी के लिए अनिवार्य है। इसको लेकर मतदान केंद्र के साथ तमाम जगहों पर पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। वहीं एसएसपी आशीष भारती ने कहा कि सुरक्षा बलों की पर्याप्त मात्रा में तैनाती करने के साथ चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान को संपन्न कराए जाने के लिए भागलपुर पुलिस पूरी तरह से तैयार है। साथ ही एसएसपी ने चुनाव की तैयारियों से संबंधित अब तक किए गए कार्यों की जानकारी भी दी। इस दौरान नवगछिया एसपी स्वप्नाजी मेश्राम ने भी पुलिस जिला नवगछिया में चुनाव से संबंधित तैयारियों की जानकारी दी। के निर्वाचन की घोषणा प्रेस नोट आज भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्गत कर दिया गया है। उसके आलोक में आज यहाँ पर जिला स्तर पर यहाँ हम लोगों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। इसमें हम बताना चाहेंगे कि भागलपुर जिले में दो फेज में निर्वाचन सुनिश्चित किया गया है। पहले फेज में 155 कहलगांव विधानसभा क्षेत्र और 157 सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र है, और जो कि 28 तारीख को 28 अक्टूबर को जिसमें वोटिंग होनी है। और रेस्ट जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं 152 बिहपुर, 153 गोपालपुर, भागलपुर सदर, नाथनगर और पीरपैंती, ये इन विधानसभा क्षेत्रों में जो निर्वाचन है वो सेकेंड फेज में है। तो इस प्रकार एक ही जिले में दो फेज में हम लोग निर्वाचन संपादित कराएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 जिसकी घोषणा आज हुई है उसको लेकर के भागलपुर जिला के भागलपुर पुलिस के क्षेत्र अंतर्गत पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है। और यहाँ पे जैसा कि दो फेज में चुनाव है, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में, तो उसको लेकर के विशेष रणनीति बनाई जा रही है। यहाँ पे अभी तक कुल मिलाकर के 113 लोगों के विरुद्ध सीसीए का प्रस्ताव भेजा गया है। हम लोग को एरिया डोमिनेशन के लिए चुनाव से पूर्व ही सीपीएमएफ उपलब्ध होगा और उस सीपीएमएफ के माध्यम से एरिया डोमिनेशन और चेक पॉइंट्स पे उसकी प्रतिनियुक्ति की जाएगी और साथ ही साथ जो अपराधी है उसकी सूची भी उनको दी जाएगी ताकि उनकी गिरफ्तारी के लिए सीपीएमएफ कार्रवाई कर सके। चुनाव को शांतिपूर्ण और स्वच्छ तरीके से संपन्न कराने हेतु नवगछिया पुलिस जिला के द्वारा काफ़ी चुनाव के पूर्ण कुछ तैयारी की गई है जिसके बारे में ब्रीफ करूंगी। हमारे यहाँ टोटल लाइसेंसी हथियारों की संख्या 496 है, जिसमें से हम 378 ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं और डिपोजिशन की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो गई है। पूर्व डिफरेंट केसेस में 9 आर्म्स को हम लोगों ने डिपोजिट कर चुके हैं और 1 आर्म्स लाइसेंस कैंसिलेशन के लिए प्रस्ताव भेज चुके हैं।
सीसीए के 54 प्रस्ताव जो है हम भेज चुके हैं जिस पे फर्दर कार्रवाई होगी। निरोधात्मक कार्रवाई में 2300 लोगों के खिलाफ 107 की कार्रवाई जो है वो की गई है। कृषि बिल के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल ने शुक्रवार को बिहार बंद का आह्वान किया और प्रदेश भर में जमकर प्रदर्शन किया। वहीं बंदी का जन अधिकार पार्टी, कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दल एवं विभिन्न संगठन ने समर्थन किया। भागलपुर में राजद कार्यकर्ताओं का जत्था जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद के नेतृत्व में पद यात्रा करते हुए स्टेशन चौक से समाहरणालय तक पहुंचा। इस दौरान नाथनगर से राजद नेता पप्पू यादव समेत दर्जनों कार्यकर्ता मोटरसाइकिल लेकर शहर का भ्रमण करते रहे और जगह जगह सरकार के खिलाफ में नारेबाजी की। राजद नेता चक्रपाणि हिमांशु, डॉक्टर अशोक कुमार आलोक, मोहम्मद वसीम और विनय पासवान ने जिला समाहरणालय के सामने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों की निंदा की। वहीं जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद ने जिलाधिकारी प्रणब कुमार को राष्ट्रपति के नाम एक पत्र सौंपा। इसके पूर्व जनाधिकार पार्टी के प्रदेश सचिव सैयद रागीब हसन, जिलाध्यक्ष नीरज कुमार, जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ गुलाम मुस्तफा एवं युवा परिषद के ओम प्रकाश समेत दर्जनों जाप कार्यकर्ताओं ने रानी लक्ष्मीबाई चौक से बैनर तख्ती के साथ प्रोटेस्ट मार्च निकाला और सरकार से कृषि बिल को वापस लिए जाने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि कृषि बिल किसानों के हित में नहीं है। इस दौरान एसएसपी आशीष भारती के निर्देश पर सीटीएसपी एसके सरोज, सीटीएएसपी पूरन कुमार झा समेत कई पुलिस अधिकारी जगह जगह मुस्तैद दिखे और प्रदर्शनकारियों से शांति भंग नहीं करने की अपील की। विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम था। ये जो राज्य सरकार है 2006 में ही एमएसपी बंद कर दिया और बंद करने के बाद थोक एवं गल्ला दुकान पर एकाधिकार जो है सरकार की हो गई, जिसके कारण किसानों का फसल जो है खरीदगी नहीं होती है, किसानों का माली हालत खराब हो गया। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल जो है इसका विरोध कर रहा है। वर्तमान में जो डबल इंजन की सरकार भारत और बिहार में है, ये किसान विरोधी और युवा विरोधी सरकार है। वर्तमान में अभी 3 किसान के विरोध में बिल लाए गए हैं, कॉरपोरेट सेक्टर के समर्थन में लाए गए हैं। ये बिल राज्यसभा में 2 बिल पास हो गए हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसानों को उद्योगपतियों के गुलाम बना दिए जाएंगे, जैसा कि ये पूर्व से परिचित है कि वर्तमान में केंद्र और बिहार की जो सरकार है, जितने भी केंद्रीय संस्थान हैं, वो रेलवे हो, डाक हो, तार हो, हवाई अड्डा हो, रेल स्टेशन हो, ये सभी चीज़ों को बेच रही है। पुलिस जिला नवगछिया में शुक्रवार को सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना झंडापुर थाना क्षेत्र के मड़वा गांव के पास की है, जहां नेशनल हाईवे NH 31 के समीप सिल्लीगुड़ी से खगड़िया जाने के क्रम में कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई और कार में सवार दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान खगेश पासवान के रूप में हुई है, जो कश्मीर के रजौरी सेक्टर में भारतीय सेना में JCO के पद पर तैनात थे, जबकि दूसरा मृतक खगेश का पुत्र हिमांशु है। घटना को लेकर बताया गया कि जवान अपने पुत्र हिमांशु के साथ सिल्लीगुड़ी से खगड़िया महेशखुट जा रहा था, जिस दौरान हुए सड़क हादसे में दोनों की मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों शव के साथ कार को गड्ढे से बाहर निकालकर शव को पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के तहत आधिकारिक मतदाता सहभागित सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित स्वीप कार्य योजना के अनुसार समाहरणालय स्थित DRDA परिसर से तिलकामांझी चौक तक जागरूकता रैली निकाली गई। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं ICDS के नेतृत्व में आयोजित मतदाता जागरूकता रैली में ICDS के कर्मियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान मतदाताओं को विधानसभा आम निर्वाचन के दौरान अपने मताधिकार का उपयोग करने के साथ साथ COVID-19 संक्रमण से बचाव के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल, मास्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित जानकारी दी गई। भागलपुर DM सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रणब कुमार द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने की घोषणा करते ही भागलपुर पुलिस चुनाव आचार संहिता का पालन कराने के लिए एक्शन में आ गई है। SSP आशीष भारती के नेतृत्व में भागलपुर स्टेशन चौक से चेकिंग अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें भारी संख्या में पुलिस के जवान और सुरक्षा कर्मियों ने तमाम छोटे बड़े वाहनों को रोककर तलाशी शुरू की। SSP ने सभी राहगीरों और वाहन चालकों से मास्क लगाने एवं अनावश्यक रूप से भीड़ नहीं लगाने की सख्त हिदायत दी। इसके अलावा भागलपुर के विभिन्न क्षेत्रों में SSP और पुलिस अधिकारियों ने भ्रमण किया और सुरक्षा से संबंधित तैयारियों का जायजा भी लिया। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की आज घोषणा की गई है। भागलपुर में 2 फेजेज में चुनाव होने हैं, 28 अक्टूबर और 3 नवंबर को। इसको लेकर के आज से घोषणा के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है और भागलपुर पुलिस के द्वारा लगातार चुनाव संभावित चुनाव को लेकर के कार्रवाई की जा रही थी और आज घोषणा हुई है तो उस कार्रवाई को और उसको तेज़ी दी जा रही है।
सभी जो जिले में महत्वपूर्ण स्थल को चिन्हित करते हुए वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और कल से ही जो भी चेक पोस्ट जो चिन्हित किया गया है वहां पे पुलिस पदाधिकारी और कर्मी की प्रतिनियुक्ति करके लगातार चेकिंग कराई जाएगी। भागलपुर के गोराडी थाना क्षेत्र अंतर्गत काशिमपुर गांव में गुरुवार की शाम पुलिस ने विदेशी शराब के साथ टेम्पो चालक को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने टेम्पो को रोक कर तलाशी ली। इस दौरान टेम्पो में रखे कार्टून से विभिन्न ब्रांड की 159 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई, जिसका वजन 73 लीटर के करीब बताया जा रहा है। वहीं शराब एवं टेम्पो को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। चालक की पहचान बांका जिला अंतर्गत धौरैया थाना क्षेत्र के बटसार गांव निवासी चंदन पासवान के रूप में हुई है। गोराडी थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने बताया कि बरामद शराब झारखंड से लाया जा रहा था। फिलहाल कारोबार में संलिप्त टेम्पो मालिक एवं चालक के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर टेम्पो को जब्त कर लिया गया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। शिकायत या सुझाव 1950 चुनाव के पहले चुनाव के बाद 1950 मतदाता सूची में नाम जोड़े के प्रक्रिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बूथ के जानकारी, वोटर कार्ड कैसे बनी, ऐसा सारा सवाल के जवाब मिली 1950 पर। ये चुनाव बस एगो नंबर याद रखी, भारत निर्वाचन आयोग के टोल फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950। अब कोनो मतदाता बिहार के कोनो कोना से कार्यालय अवधि में 1950 पर कॉल कर सकता। 1950 से अब मतदाता जानी अपन हक के जानकारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क घंटाघर के उत्तर मोक्षदा स्कूल के समीप मशाकचक भागलपुर बिहार।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर रानी तालाब स्थित भाजपा कार्यालय में शुक्रवार को कार्य समिति बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री जयनाथ चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में सभी वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं, जो इसका प्रमाण है कि भाजपा में पिछड़े वर्गों को उचित सम्मान प्राप्त है और किसी भी स्थिति में पार्टी पिछड़ों के अधिकार और सम्मान से समझौता नहीं करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा नेता ने कहा कि आगामी चुनाव में एक बार फिर से एनडीए की जीत तय है, लेकिन कुछ लोग जनता के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर जिलाध्यक्ष रोहित पांडे, पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष प्रिंस मंडल, अमरजीत शाह समेत भाजपा के विभिन्न प्रकोष्ठ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर खंजरपुर स्थित होटल में अपोलो ग्लेनेगल्स हॉस्पिटल कोलकाता की ओर से वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपोलो कोलकाता के निदेशक डॉक्टर महेश कुमार गोयंका, लीवर ट्रांसप्लांटेशन एवं एचपीबी के प्रमुख डॉक्टर रणदीप रे, डॉक्टर सुमित गुलाटी, अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप के सीईओ राणा दासगुप्ता, डॉक्टर सुप्रियो समेत कई विशेषज्ञ चिकित्सकों ने संबोधित किया और लीवर ट्रांसप्लांट से जुड़े अपने अनुभवों को साझा किया। इस दौरान कोलकाता के रिजवान अली नामक 2 वर्ष के बच्चे के लीवर प्रत्यारोपण के 1 वर्ष पूरे हो जाने पर टीम ने खुशी व्यक्त की। डॉक्टर महेश ने कहा कि पूर्वी भारत में पहली बार अपोलो ग्लेनेगल्स कोलकाता में 2 वर्ष के बच्चे रिजवान अली का लीवर ट्रांसप्लांटेशन किया गया है और 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है और दूसरे बच्चों की तरह सक्रिय है। डॉक्टरों ने बताया कि सर्जरी के दौरान चिकित्सकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, पर अपोलो के कुशल डॉक्टरों की टीम ने सफलतापूर्वक सर्जरी पूरी की। वहीं रणदीप रे ने कहा कि लीवर ट्रांसप्लांट टीम का नेतृत्व कर काफी अच्छा लगा, अब कोलकाता में भी लीवर ट्रांसप्लांटेशन सफलतापूर्वक संभव है। साथ ही कहा कि सरकार भी इसको लेकर काफी जागरूक और सक्रिय है, जिस कारण कम कीमत में गरीब एवं जरूरतमंदों का लीवर ट्रांसप्लांट अपोलो हॉस्पिटल कोलकाता में किया जाएगा। भागलपुर सुल्तानगंज के जेपी पार्क से सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के तत्वाधान में देश के तमाम किसान संगठनों द्वारा किसान के विरुद्ध कॉरपोरेट ट्रस्ट सरकार द्वारा गैर संवैधानिक तरीके से किसान बिल पास किए जाने का विरोध किया गया। इस दौरान एकजुटता के साथ रामानंद पासवान की अध्यक्षता में किसानों ने विरोध मार्च निकाला, जो जेपी पार्क से निकलकर चौक बाजार, नगर परिषद कार्यालय, स्टेशन रोड होते हुए वापिस जेपी पार्क पहुंचकर संपन्न हुआ। मौके पर सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के नेता रामानंद पासवान, शंकर बिंद, डब्लू पासवान समेत कई किसान मौजूद थे। सामाजिक न्याय का मतलब है समाज के तमाम लोगों के साथ न्याय हो, तमाम लोगों के साथ न्याय हो, किसी के साथ अन्याय नहीं है। और सरकार जो वर्तमान में केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, दोनों तो एक ही ट्रेन का जो है 2 इंजन है, तो ये दोनों सरकारें क्या कर रही है कि अभी मजदूर के जो है लेबर एक्ट में जो है संशोधन करके जो है लेबर के अहित में जो है काम किया है, और अभी किसान बिल जो है गैर संवैधानिक तरीके से पटल पर, गैर संवैधानिक तरीके से इसको कहा जाए कि एक तरह से कि मरा चोरी छिपे इस कानून को पास कर लिया गया। वहीं गोराडी प्रखंड कार्यालय में प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष अशोक कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा पारित बिल को किसान विरोधी बताते हुए प्रखंड कार्यालय को बंद कराया गया। वहीं अशोक कुमार सिन्हा ने बताया कि किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है और किसानों को फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि अब व्यापारियों द्वारा किसानों का शोषण किया जाएगा, सरकार द्वारा निर्धारित एमएसटी सम्मानजनक नहीं है। इस दौरान मिथिलेश प्रसाद सिंह, चंदन यादव, दिलीप यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। सरकार जो किसान का बिल जो पास किया है, ये किसान के मतलब अनहित में है और इस किसान बिल का हम लोग खुबजोर विरोध कर रहे हैं। इधर केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि संबंधित 3 विधेयक के विरोध में शुक्रवार को कहलगांव कांग्रेस विधायक के बैनर तले मोटरसाइकिल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। रैली कहलगांव मुख्य बाजार से होते हुए अनुमंडल कार्यालय परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान विरोध जता रहे लोगों ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने तथा अनाज भंडारण में किए गए प्रावधान को समाप्त करने की मांग की। साथ ही कहलगांव एएसडीएम शंभू शरण सिंह को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बना रहे हैं। मौके पर प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद सहवाग आलम, प्रवीण कुमार राणा, मनोज कुमार चौधरी, अरविंद कुमार सिंह सहित सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित थे। जन आक्रोश किसान रैली का आयोजन किए हैं, कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। भारत सरकार के द्वारा जो किसान विरोधी 3 काला कानून अवैध रूप से गलत प्रक्रिया के आधार पर
उसको पारित करा करके आज किसानों के हित की जो अनदेखी की जा रही है सरकार के द्वारा और उद्योगपतियों को समेली निकाली है कि आज किसानों के हितों की रक्षा की जाए, हमारे इस काला कानून को इसको वापस करे सरकार। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला कंवरिया पथ को बांका जिला से जोड़ने वाला बंडवा नदी पर धौरी कुमरसार के बीच बना पुल का एक पाया धस गया, जिससे भारी वाहनों के लिए खतरा बढ़ गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि नदी में पुल के नीचे से लगातार बालू माफियाओं के द्वारा अवैध खनन करने एवं पिछले दो दिनों से लगातार हो रही तेज बारिश के कारण पुल का पाया धस गया है, जिस कारण कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं पुल धसने की सूचना मिलते ही पथ निर्माण विभाग बांका के कार्यपालक अभियंता श्रीकांत शर्मा, सहायक अभियंता प्रशांत कुमार एवं कनीय अभियंता जयकांत सिंह मौके पर पहुंचे और वस्तु स्थिति का जायजा लिया। श्रीकांत शर्मा ने बताया कि पुल के पास वाले पाया से बालू का उठाव होने तथा पानी के तेज बहाव से पुल का पाया क्षतिग्रस्त प्रतीत हो रहा है। पानी कम होने पर विशेष जांच की जाएगी। तत्काल पुल पर भारी वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित किया जा रहा है। बता दें कि पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने से प्रखंड क्षेत्र के लोगों का प्रखंड मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय के अलावा अन्य जरूरी बाजार एवं शहर से कनेक्शन टूट जाएगा। मैंने हम उसको जाप किए, जाप में का जो है ना धौरी और मुंगेर के जोड़ता है तो लोग धस गया है। इस संबंध में संबंधित विभाग रोड कंस्ट्रक्शन को वास्तुशिल्प को जो स्कूटी में जो सूचना दे दिया गया है और इसके साथ मैसेज दे दिए और इस संबंध में बताया कि कल ब्रैकेट। जमियत उलेमा सिटी भागलपुर की ओर से रविवार को प्रतिभा सम्मान सह कैरियर मार्गदर्शन समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम मुस्लिम हाई स्कूल परिसर स्थित एजुकेशन कमेटी हॉल में होगा। इसको लेकर शुक्रवार को मोजायतपुर कार्यालय में प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता के दौरान जमियत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना हाशिम नुमानी एवं उपाध्यक्ष हाजी मोहम्मद इम्तियाज ने बताया कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में उत्तीर्ण करीब अधिक छात्र छात्राओं को शिक्षाविद, प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि पुरस्कृत करेंगे। वहीं महासचिव शम्स तबरेज रहमानी ने कहा कि भागलपुर में पहली बार जमियत उलेमा ऐसा प्रोग्राम लेकर आई है जिससे स्टूडेंट को अपने पसंदीदा करियर की राह चुनने में काफ़ी आसानी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिव तकी अहमद जावेद और शहादत अंसारी ने बताया कि प्रतिभा सम्मान समारोह में पटना, भागलपुर, किशनगंज, छपरा समेत कई जिलों से अतिथि और स्कॉलर शिरकत करेंगे। साथ ही कहा कि कार्यक्रम में शामिल सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट एवं मेडल दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हाजी मुनाजिर, मोहम्मद आफ्ताब अहमद समेत कई लोग मौजूद थे। जो बच्चे थर्ड डिवीज़न भी आते हैं वो मायूस हो जाते हैं, उसको मायूस नहीं होना है। उसके हौसला अफजाई के लिए हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और उसको हौसला अफजाई के लिए हम सम्मान करेंगे और उसको आगे पढ़ने के लिए, आगे पढ़ाई के लिए कोई दिक्कतें हों उसके साथ हम लोग मार्गदर्शन का काम करेंगे। प्रतिभा सम्मान समारोह ये मुस्लिम एजुकेशन कमेटी हॉल मुस्लिम हाई स्कूल भागलपुर में ये प्रोग्राम होगा, जिसमें बच्चों को सम्मानित करने के साथ साथ उन्हें मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। भागलपुर के नीलकंठ नगर निवासी भारतीय सेना में कार्यरत राजीव भूषण सिन्हा ने इशाकचक थाना में प्राथमिकी दर्ज कराकर अपने खोए हुए बटुए के बरामदगी की गुहार लगाई है। इसको लेकर नेवी में कार्यरत राजीव ने कहा कि 21 सितंबर को पैसे निकालने के लिए त्रिमूर्ति चौक स्थित HDFC बैंक पहुंचे थे, जहां ATM से पैसा तो नहीं निकला लेकिन भूलवश उनका पर्स ATM पर ही छूट गया। थोड़ी देर बाद जब दोबारा पर्स लेने ATM पहुंचे तो पर्स वहां से गायब था। पर्स खोने की सूचना इशाकचक थाना में देने के बाद HDFC बैंक प्रबंधन की मदद से ATM में लगे CCTV फुटेज की जांच की गई, जिसमें ATM से पर्स लेकर जाता व्यक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। राजीव भूषण सिन्हा ने कहा कि बटुए में डिफेंस कार्ड के साथ कई तरह के महत्वपूर्ण कार्ड एवं कागजात थे, जिसके नहीं मिलने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। भूषण सिन्हा भागलपुर का निवासी हूं और विशाखापट्टनम में डिफेंस में कार्यरत हूं और 21 तारीख को सुबह 10:30 से 10:40 के बीच में बिकरपुर त्रिमूर्ति चौक के HDFC ATM में गया था पैसा निकालने के लिए और ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, इसलिए अपना ATM पॉकेट में रख के पर्स जो है ATM के ऊपर भूल के निकल गया। 5 मिनट के बाद वापस आया तो वो पर्स वहाँ पे नहीं था। उस पर्स में डिफेंस का डिपेंडेंट कार्ड 3 है, 2 कैंटीन कार्ड है, 1 क्रेडिट कार्ड है, पैन कार्ड है और आधार कार्ड है। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा। भागलपुर में 2 चरण में होगा मतदान। DM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। कृषि बिल के विरोध में कई राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। सरकार से बिल वापस लेने की मांग। नवगछिया में नहीं थम रहा है रफ्तार का कहर। गड्ढे में कार पलटने से पिता और पुत्र की हुई मौत।
मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली, लोगों को मतदान के प्रति किया गया जागरूक। और चुनाव को लेकर जिले भर में चलाया जा रहा है सघन तलाशी अभियान। स्टेशन चौक पर एसएसपी ने की वाहनों की जांच। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।